तो नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद और हमारे पास यहाँ पे यार्ड पे चल रहा है मेंटेनेंस का काम, जिसमें सारी मशीनों को रिपेयरिंग की किया जा रहा है। मतलब जो जो उनमें मेंटेनेंस का काम है उसको काम को हम कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे पीछे देखेंगे ट्रालियाँ रखी ना, वहाँ पे रोटावेटर, कल्टीवेटर, उन सब में काम किया जा रहा है। और इस तरफ जो है मशीनों में काम चल रहा है। जैसे में मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली है इसकी, ठीक है, तो उसमें भी बताया है कैसे कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे स्टेबलाइजर के जो पैड होते हैं ना, स्टेबलाइज मशीन ऐसे ऐसे हिलने लगती है, तो उसको कम करने के लिए पैड डाले जाते हैं, जो कि वहीं से जेसीबी से भी आते हैं, बाहर आफ्टर मार्केट मिलते हैं, तो काफ़ी महंगे आते हैं ये। तो वो जो है हम चेंज कर रहे हैं, ये वाली मशीन में चेंज कर रहे हैं। और ऐसे चेंज करने में ख़राब भी बहुत हो जाते हैं। और दूसरी मशीन एक ये यहाँ खड़ी हुई है। अभी देखो दो पैड हमारे ख़राब हो चुके हैं ऑलरेडी, और ये यहाँ पे कार्रवाई चल रही है। एक ये लाल वाला इधर फंसा हुआ है, ये ग्रीन वाला ख़राब हो गया। और इसमें बहुत ही कुशलता की ज़रूरत होती है। और संतोष भैया और गजराज जो कि ऑपरेटर हैं, ये दोनों कर रहे हैं। और ये मशीन हमारी रेडी होके आ चुकी थी बोने के लिए। और ये न्यू हॉलैंड आ रहा है, जो कि रोटावेटरों को सबको टाइट कर रहे हैं, दोनों रोटावेटरों को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अब जो है इकट्ठी बोनी होगी ना तो गहराई करना पड़ेगी। ये वाइट ट्रैक्टर लेके आ गया है, इसमें सारे के सारे इसके ना इसके नट बोल्ट टाइट कर रहे हैं। इसको ऐसे लटका के ऊपर कर देंगे तो नीचे से काम करने की जगह बन जाएगी, और कोई रीज़न नहीं है इसको लाने का, कोई चलाने वाले नहीं है इसको। और यहाँ पे हमारी ट्रॉली रखी हुई है और दो गाड़ियाँ तो गई हैं, और ये यहीं पर खड़ी हुई है, ये शाम में जाएगी, इसकी रात की ड्यूटी है। इसमें पिन डाल रहे हैं, इसके अंदर हथौड़ी भी फंसी हुई है। और ये सामने जो आपको रियर एक्सल दिख रहा है, पिछला वाला हिस्सा, इसके अंदर होते हैं जेसीबी के ब्रेक और ब्रेक पैड होते हैं। तो ये मशीन थोड़ी सी दिक्कत दे रही है, बाढ़ में डूबने के बाद से दिक्कत आई है, ठीक है। तो वो ब्रेक पैड खोल के नए डालने पड़ेंगे और ऑयल भी नहीं डालना पड़ेगा, तो वो कल करेंगे क्योंकि समय की कमी है। तो वो तिरछा तिरछा हो रहा है ना, ये ख़राब हो गया इसमें। तो जैक भी फंस गया अंदर, अच्छा इसको बाहर निकालना है, ये फंस गया अंदर। तो भाई ये फंस गया है पैड के चक्कर में, ये बहुत बड़ी समस्या है यार। तो अब देखते हैं इसमें कितना समय लगता है। अभी मतलब तरकीब क्या हो रही है, देखो इसके अंदर है जैक, और जैक जो है यहीं तक आएगा, और इसके अंदर एक हथौड़ी फंसा के पिन फंसा देंगे और एक पाइप फंसा देंगे, फिर जैक को खोलेंगे तो ये पिन समेत ये नीचे लेके आएगा, तो ये बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा तो फिर दोबारा लगा लेंगे, तो इससे ये पैड निकल आएंगे और ये लूज़ हो जाएगा। पिछली बार भी यही दिक्कत आई थी सेम टू सेम।
हाँ लोड आ गया लोड। वो नहीं हल रहा, बहुत जोर से फंस हुआ है। अब बहुत तो ऐसी जगह फंसे हुए काट भी नहीं सके अपन, और छेनी से काट ले, बंद कर दो। भाई डिसाइड हुआ है कि काटेंगे अब इसको। तो भाई देखो हमारे रैंप का सदुपयोग कर रहे हैं ऊंचाई बढ़ाने के लिए, इसको ऊपर रैंप के ऊपर खड़ा कर देंगे। जान दे जान दे। बस 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 दो तीन अंगुल और आन दे, थोड़ा और धीरे धीरे। अरे बस बहुत है, बस 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 गियर में भी रेंद देना और हैंड ब्रेक खींच दियो। आप तो बहुत ऊंचा हो गया, ये सही है यार। तो भाई नीचे से देख लो रोटावेटर, वैसे तो सब टाइट ही है, फिर भी देख ले रहे हैं कुछ अगर ढीला पीला होगा तो अपन बदल देंगे। एक एक चेक करना पड़ेगी। एक है चलो उठाओ पानी, हो जाओ शुरू। ऐसे एक एक, एक लाइन की चेक करते जाओ और उसी हिसाब से बढ़ते जाओ। तिरछी हो गई, तिरछी ठोकेगी ठोकेगी संतो भैया, ऊपर उठा आओ। बस तो तिरछो तो हो जाते संतो भैया, ऊपर उठा ऊपर, वो कोने पे रख के ठोके वो, देखो बैंड हो रहा है ना। अरे नहीं जाएगा, तुम देखो सही तैसे पूरा अड़गा यार। नहीं तो जो कोना जो तिरछा हो रहा है ना इसको और आम करो, जैसे पहले रखी थी ना वैसे ही रखो। हाँ 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 ये भी सही है। अब दबा हाँ हाँ उठा के फिर से। हाँ तो भाई इसको सक्सेस करने के लिए ये दो खराब कर दिए हैं देखो, एक ये और एक ये लाल वाला, ये चपटा हो गया और इधर से फूल गया देखो, और ये वाला तो तोड़ के निकालना पड़ा। तो ये काफ़ी महंगे आते हैं मैं आपको बताऊं, इस पर पैसे लिखे हो तो नहीं लिखा नहीं लिखा, क्योंकि ये पूरा डब्बा मंगाया था मैंने और ये 20-22 हज़ार रुपये का आया था, इस तरफ लिखा होगा शायद 1,000 रुपये का एक है, देखो एक की कीमत 1,000 रुपये। तो भाई साहब अगला दिन है और आज हम जो है पूरी तरह से मतलब आज हम बोनी करने वाले थे एक्चुअली, कल तक हम आज की प्लानिंग कर रहे थे और अब लेट इतना हो गया है कि हम अभी खेत पे पहुंचते पहुंचते 4 बज जाएंगे और 5 बजे तक अंधेरा हो जाएगा, इसलिए अब उसको हमने कल पे शिफ्ट कर दिया है। तो मशीन तैयार हो रही है यहाँ पे और हमारा एक ट्रैक्टर में सर्विस हो रही है, और उसमें क्या क्या हुआ है और किन कारणों से हुआ वो मैं आपको ट्रैक्टर के पास चल के बताऊँगा। तो ये हमारी मशीन है 13 टाइम्स की और इसमें बहुत सारे हमने चेंजेस कराए हैं। सबसे पहले तो ये कलर किया है, ये हमारे सुरेंद्र भाई साहब ने बालाजी वाले, और इन्होंने इसको पूरा रिन्यू किया है, इसमें ये पुंगियाँ नई लगवाई हैं, कलर हुआ है, और ये जो पूरी मशीन का बैलेंस था ये ख़राब हो गया था। क्या था, पूरे दाने इधर उधर फेंकती थी, कम ज़्यादा मतलब इसमें कम उसमें ज़्यादा ऐसे करके फेंकती थी, पाइप नए लगाए हैं और ये इसका सस्पेंशन सही काम नहीं करता था। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने इसमें बदलाव करवाई हैं, तब जाके ये बोनी करने लायक बनी है, लेकिन अभी तक हमने यूज़ नहीं करा है।
तो इसको जल्दी यूज़ करेंगे। ये बालाजी वाले सुरेंद्र भाई साहब, उन्होंने किया है इसका काम, और अब चलने के बाद ही पता चलेगा। 1.25 इंची का पाइप है, पहले भी इसमें वही लगा था। क्यों मुझे ऐसा ध्यान है कि ये पहले पाइप ऊपर से चढ़ता था, ऊपर से ये चढ़ता भाई, लेकिन क्या बहुत जल्दी इन लोगों ने फिर अंदर से कर दिया। अब इससे क्या होगा, जब दाना गिरेगा ना तो वो उसकी पाइप की जो किनार है उसके ऊपर खाद जो धूल वगैरह वो वैसा जमेगा, तो ऐसे करके ब्लॉक होने के चांसेस रहेंगे। वो तो सटकेगा, पाइप भी सटकने का डर रहेगा और जाम होने का भी। तो ये हम फिर से सुधार करवा लेंगे। कुप्पियाँ दूसरी अपन थोड़ी हैवी वाली लेके लगा देते हैं। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे न्यू हॉलैंड 5500 की तरफ, जिस पर सर्विस का काम किया जा रहा है। ओके, तो भाई साहब ये रखा है हमारा न्यू हॉलैंड 5500, और इसका ऑयल निकाल लिया है। ये इसकी जो गेज थी वो फुल हो गई थी, बिल्कुल यहीं तक पानी से इसमें, मतलब पानी चला गया था यहाँ से, जिसके कारण इसमें गड़बड़ी आ गई। ठीक है, तो ऑयल निकाल दिया है। अब हम इसमें नया ऑयल नहीं डाल रहे, अब हम डालेंगे इसमें पुराना ऑयल। पुराना ऑयल कौन सा, कि जब हमने 3600 जो 3630 है हमारा, उसकी सर्विस करी थी, पहली सर्विस, उसमें से बेहतरीन ऑयल निकला था। ठीक है, क्योंकि वो हमने 100 घंटे में ही सर्विस कर दी थी, 50 या 100 घंटे में, तो हम वो डालने वाले हैं। ओके, तो बाकी फिल्टर विल्टर तो है ही नए, कोई दिक्कत ही नहीं है। और यार बहुत दम है इस ट्रैक्टर में, बहुत ज़्यादा, आप आने वाली वीडियोस में देखोगे बहुत दम लगाता है ये। हाँ ऐसा कैसा, इसको ऊपर ही रख दो, उसी के ऊपर रख दो, वो जहाँ पे कसा था वहीं पे। अब बैटरी बैठ गई नहीं तो एक आध सेल्फ घुमा देते ना तो आ जाता। तो भाई साहब जरा सी लापरवाही के चक्कर में इसके अंदर जो है पानी चला गया, ये देखो। इसका चैम्बर नीचे से खुलता नहीं है क्या, देखना इंजन का, नहीं यहाँ से नहीं, जॉनडियर की तगाड़ी की तरह, जॉनडियर में ना उसकी नीचे की तगाड़ी खुल जाती है पूरी, नाम नहीं जुगाड़। तो भाई साहब अब हम यहाँ पे आपको इसको टेस्ट करके दिखाते हैं। एक्चुअली क्या हम अपने लिए टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक मॉडिफाई होके आई तब से हमने अभी तक इसको चला के नहीं देखा। तो हम इसी ट्रैक्टर से करने वाले हैं बोनी, सारी की सारी बोनी हो गई 3630 से, और देखेंगे कैसी परफॉर्म करता है इस मशीन पर। अभी तक हम इसको सोनालिका पर चलाते थे, जॉन डियर पर भी चलाई और नोवो पर भी चलाई है, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इस ट्रैक्टर को हम पहली बार आजमाएंगे। तो फटाफट से लगा लेते हैं और यहीं चला के देख लेते हैं। तन्ना चीख जवाली कर ले यार। तो इस मशीन को टेस्ट करने का एक रीज़न ये है कि हमने इसकी ये कुसिया लगाए थे ना, जो ये भी हमने पलटी कराए हैं, पहले थे पुराने वाले पे चलते थे तो गहराई का भी अंदाज़ा नहीं था हमको, और जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ ये गियर है जो है ये चौड़ी गरारी है इसकी। हमारे पास जो प्लास्टिक के पहले गियर थे उसकी गरारी सकरी थी, तो उस पर नंबर हमको ज़्यादा सेट करना पड़ता था, अब इसमें शायद हमको कम करना पड़ेगा क्योंकि ये ना ज़्यादा तेज़ फेंकेगी।
इसको धक्का मारना थोड़ा सा, कितनी झूल रही है। अपने को कम करना पड़ेगी, जब बोनी कर रहा हो तो इतनी झूले ना जाए। तो इसको चला के देखते हैं। तो हमारी टेस्टिंग फील्ड में आपका स्वागत है भैया, और हम इसको अब चला के देखने वाले हैं। नीचे है कि जैसा साइड से इसको कसना पड़ेगी है। हाँ रखो फिर चला के देखो। गियर नहीं घूम रहे। हाँ घूम गए घूम गए। उठाओ उठाओ, टेढ़ा हो रहा है क्या? वो जैसे आ रहा हो जो घूम नहीं रहा हो ना। हाँ घूम नहीं रहा है, जिनमें आयल लेना पड़ेगा। विशाल आयल लेके आओ। घूम गया, उल्टा घूम गया, चेन उतर गई, उल्टा घुमाने में चेन उतर गई। आयल देना पड़ेगी उसमें। पहले साइड में करके उड़ जा, मैं आयल दो। तो भाई साहब ये ऑयल की डब्बी खरीद के लेके आए 100 रुपया की, और ग्रोज कंपनी की आ रही थी 650 रुपया की, और 6 महीने की गारंटी इसमें 100 रुपये की लेके आए, मतलब 200 रुपये की दो। क्या ही यार, कंपनी की चीज़ लेते ना तो कितनी महंगी आती है, और 600 रुपये में 6 आ जाएंगी। कंपनी वाले भी ना ब्रांड के नाम पे इतना ज़्यादा लूटते हैं। अब हमको ऑयल करना है इस गियर के अंदर। पहले खोलना पड़ेगा लॉक। तो ये कलर, ये मतलब कलर की वजह से हो रहा है यार। कलर भरा पड़ा है ना इनमें, तो इसकी वजह से वो घूम नहीं रहे हैं। अभी नया नया कलर करवाया ना, तो इसमें ऑयल दे देंगे तो फिर सही रहेगा। तो भाई साहब अभी हमने देखा कि हमारी जो पत्तियां हैं ना, इनकी सेटिंग भी थोड़ी सही नहीं है। ये लीवर, इससे जो पत्तियां खुलती हैं, किसी का मुँह ज़्यादा खुल रहा है, किसी का कम, तो हमने रिपेयर करने भेजी थी, तो इसको वापस भेज रहे हैं, और फिर होके आइए ठीक दोबारा से। क्योंकि अच्छा हुआ आज हमने देख लिया, क्योंकि कल हम बोनी करेंगे तो ये चीज़ रह जाती।